गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में, जिसके तरफ से फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम जो है लॉन्च हो चुका है, मणिपाल कोर्स 1 ईयर का। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है पूरा डिटेल में, उसको आपको देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था, कुछ डाउट आ रहे थे, तो इस वीडियो में आपके पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को डाउट आ रहा था इसके प्रोफाइल के बारे में, एज के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में और रिज़ल्ट के बारे में कि किस तरीके से ये होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ। इसमें सबसे पहले बात करते हैं एज की। देखिए, एज जो इसमें आपका 21 साल से 26 साल के बीच में मांगा गया है। ठीक है, लेकिन काफ़ी लोगों का 26 साल से प्लस 2-3 महीना हो चुका है, तो क्या वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, हाँ, आप इस तरीके के जो भी फॉर्म निकलते हैं, कहीं पर भी फॉर्म निकलते हैं, अगर उसमें एज दिया है 21 से 26 साल, अगर आपका 26 साल से ज़्यादा हो जाता है तो भी उसको आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे? देखिए, 59.99% इसको हम 60 कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार 26 से प्लस 2-4 महीना जितना भी है उसको हम लोग 27 कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि आप ऐसे कोई भी फॉर्म आता है उसको आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 59.99% को हम 60% नहीं बोल सकते हैं। उसी प्रकार 26 साल से अगर 2-3 महीना या 4-5 महीना भी ज़्यादा है उसको 27 साल नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम की। देखिए, एग्ज़ाम जो है काफ़ी इजी होता है। जैसे ही आप फॉर्म भरोगे आपको एक मेल आएगा, उसी पर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा ऑनलाइन। ठीक है, जो कि आप अपने मोबाइल से दे सकते हो, लैपटॉप से दे सकते हो, डेस्कटॉप से दे सकते हो और घर पर दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई सेंटर का ऑप्शन नहीं है कि आपको सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना है। ठीक है, ऑनलाइन ही आपको अपने घर बैठे एग्ज़ाम देना है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जो है काफ़ी आसान होता है, नॉर्मल सा होता है, आप आसानी से क्लियर कर लोगे। ठीक है, काफ़ी लोग बोल रहे थे सेल्स एप्टीट्यूड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये जो है सेल्स के क्वेश्चन है जो कि आपसे नॉर्मली पूछे जाते हैं, ये बहुत ही ईजी होते हैं, बस आपको ऑप्शन पर क्लिक करना है बस। ठीक है, और कुछ नहीं। आई होप आपको समझ में आएगा। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे इसके रिजल्ट के बारे में। देखिए, 7 से 10 दिन लगती है इसका रिजल्ट आने के लिए, उन्होंने जैसे कि मेंशन किया है अपने वेबसाइट पे। ठीक है, तो उसको आपको वेट करना है और आपको अपना ईमेल चेक करना है। ठीक है, ईमेल पे ही आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी लोग पूछ रहे थे इसका लास्ट डेट के बारे में, तो लास्ट डेट जो है अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो अभी अभी लॉन्च हुआ है ये। HDFC बैंक के आप ऑफिशियल चैनल पर जाकर देख सकते हो, यूट्यूब पर उन्होंने 1-2 दिन पहले ही इसको लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, और एक डाउट काफ़ी लोग पूछ रहे थे इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये सेल्स है क्या। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हाँ, ये सेल्स जॉब प्रोफाइल है। ठीक है, जैसे कि आपने फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम देखा होगा, वो बेस्ड है सेल्स पे ही। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।